नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद समय मिला है होटल से आपको आपके लिए ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि थोड़ा बरसात का भी सीज़न था और काफ़ी तेज़ बारिश सुबह शाम हो रही थी, तो इस चक्कर में ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था और थोड़ा काम पे भी बिजी था। तो आज काफ़ी दिन बाद मौसम खुला हुआ है और आज सोच रहा हूँ कि बाइक से थोड़ा मक्कू बैंड की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये बाइक है रेड कलर की यहाँ पे, तो चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, छोटा सा बाइक राइड करते हैं। और मेरे साथ हैं मनोज नेगी जी और ये वाली बाइक लेके जाएंगे अभी हम, और देखते हैं किस तरीके से उधर उस तरफ का व्यू हो रखा है और कैसा थोड़ा सा ये ब्लॉग बनता है। आजकल जगह जगह झरने बन रखे हैं, तो देखते हैं उस तरफ भी कोई झरना हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मनोज भाई, क्या आप तैयार हो चलने के लिए? चलो। तो चलिए, बने रहिए मनोज भाई के साथ और हमारे साथ ब्लॉगिंग करेंगे मनोज भाई। तो काफ़ी दिन बाद आगे जाने का मौका मिल रहा है हमें और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टी शर्ट में हूँ तो ठंड फील हो रही है, आपको भी लग रही है क्या ठंड मनोज भाई? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मज़ा आ रहा, आज काफ़ी दिनों बाद धूप लगी हुई है ना, इसलिए तब मज़ा आ रहा आज ठंडी हवा खाने का। सूर्या भी आँखों माँ का जल को टिको म्यारो रे हाथ मारा डिम्पल। पांचदार से आगे, तो मैंने यही सोचा कि चलो जब पांचदार तक आ ही रहे हैं तो क्यों ना मक्कू बैंड की तरफ चला जाए और वहां से आपको व्यू दिखाया जाए कि किस तरीके से सामने का व्यू रहता है। और बहुत ही मस्त लोकेशन चोपता वैली है समर डेस्टिनेशन के लिए और विंटर डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ की रोड़ें भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मतलब थोड़ी संकरी ज़रूर है लेकिन उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, आपको मज़ा आएगा ड्राइव करने में। हालांकि विंटर में थोड़ा रिस्की रह जाता है, ये रोड थोड़ा स्लिपी हो जाती है, लेकिन रोमांचक ये सफ़र रहता है यहाँ से चोपता बद्रीनाथ की तरफ जाने में। तो चलिए मेरे साथ मक्कू बैंड की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ से व्यू रहता है उस तरफ का। पहुंचने ही वाले हैं मक्कू बैंड में। आपको दो चार दुकानें मिल जाती हैं छोटी मोटी सामान के लिए, जैसे कि आपको अगर कुछ भी लेना है, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह, तो मक्कू बैंड में मिल जाता है। और सामने आपको दिख रहा होगा वो कुछ ऐसे मक्कू बैंड, यहाँ से अगर आगे की तरफ जाते हो तो चोपता तुंगनाथ की तरफ चले जाते हो। और इस तरफ से जो रोड जा रही है, इधर से मक्कू भीरी रुद्रप्रयाग होते हुए आप ऋषिकेश साइड जा सकते हो। और हम आए अभी इस तरफ से, जो कॉटेज बन रखे इसके पीछे से पोथीवासा की तरफ से, और आपके थोड़ा आगे इस तरफ ले चलते हैं मक्कू वाली रोड पे और दिखाते हैं वहाँ से सामने जो गांव है वहाँ का व्यू किस तरीके से रहता है। भाई साहब नमस्कार। अरे बढ़िया चल रहा है। जरा मैंने बोला तुम भी दुकान दिखाओ ना यार। होटल में
चलो ये भी मेरे पार्टनर से ब्योर दुकान में। गाइस अब चलते हैं हम मक्कू मठ की तरफ, जो कि ये देखिए रास्ता ये रहा मक्कू मठ की, और यहाँ से आगे जाते हुए आप रुद्रप्रयाग और पूरी चंद्रपुरी के लिए रास्ता ये है। और मेरे साथ कुमार जी बैठे हुए हैं जो बाइक चला रहे हैं, क्योंकि अभी वो नहीं कर रहे ब्लॉगिंग, इसलिए फिर मैं जिम्मेवारी सौंप दी है उन्होंने, और आपको सामने का व्यू दिखाते हुए थोड़ा देर बाद। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मक्कू बैंड से थोड़ा आगे की तरफ। हम यहाँ पे आए हैं मैं और मनोज भाई, और हमारे साथ है दो तीन गाय, अचानक ही मिल गई थी। तो यहाँ से सामने की तरफ का जो व्यू दिख रहा है उधर आपको दिखेगा मक्कू गांव, और जो वहाँ के जो रोड है भीरी चंद्रपुरी जाने वाली वो वाली रोड। तो मनोज भाई कैसा लग रहा है सामने की तरफ का आपको व्यू, और कैसा लगा थोड़ा सा ये जो हम आगे आए हैं होटल से और जंगल के बीच से होते हुए, तो किस तरीके से ये छोटा सा सफ़र रहा आपका? तो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आज मौका मिला मक्कू की तरफ आने का, और खासकर मक्कू मठ की तरफ देखने के लिए तो बहुत उत्साहित रहते हैं हम लोग। तो इसलिए आपको बोला मैंने कि आपने मेरे को बोला कि चले ज़रा मक्कू मठ की तरफ चलते हैं, और मैंने कहा चलो घूम के अभी आते हैं, थोड़ा इन्जॉय भी हो जाएगा और बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ से लोकेशन बढ़िया है ट्रैक, जो कि यहाँ पे सामने गुप्तकाशी वाला एरिया भी कवर हो रहा है। तो आगे आपको मक्कू मठ बैंड की तरफ से दिखाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया नज़र दिखेगा। तो दोस्तों ये है मक्कू मठ, और जो यहाँ पे बस्ती दिख रही है साथ में यहाँ पे जो तुंगनाथ भगवान जी का शीतकालीन गद्दी स्थल जहाँ पे रहते हैं वो वाला टेंपल है इसी गांव के बीच में, और उसके नीचे जो रोड दिख रही है वहाँ पे है मार्केट, और मार्केट थोड़ा आगे तक फैला हुआ है, और इस तरीके से ये पूरा गांव है मक्कू मठ वाला। और ऊपर की तरफ जो ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये गाँव दिख रहा है, ये गाँव है पाव जोगपुड़ा, और वहाँ से होते हुए ये रोड सीधे जाती है भीरी, और भीरी से निकल के आप रुद्रप्रयाग की तरफ चले जाते हो, और सामने की तरफ जो ये वैली दिख रही है उस वाली चोटी में उस वाले पीक पे ये गुप्तकाशी वाला पीक है। यहाँ हालांकि यहाँ से गुप्तकाशी नहीं दिख रहा, उससे पहले जो रुद्रपुर जागधार वाला एरिया दिख रहा है। पहाड़ों की शान, कितने सारे खेत लहलाते हुए आपको दिख रहे हैं, सीढ़ी नुमा खेत, और बहुत ही प्यारा यहाँ से लोकेशन आ रहा है। अगर आप चोपता की तरफ आ रहे हो तो मक्कू बैंड में बैठ के यहाँ पे बैठ के सामने की तरफ का व्यू का मज़ा ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, और बहुत ही मस्त लोकेशन यहाँ पे है। आसमान की तरफ देखें तो अभी आसमान तो कब साफ लग रहा है, लेकिन हल्के हल्के बादल पीक पे नज़र आ रहे हैं, और कहीं कहीं पे लगता है कि शाम होते होते थोड़ा बारिश हो जाए, क्योंकि शाम होते ही आजकल काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और सावन भी शुरू हो गया है आज से, तो बरसात थोड़ी तेज़ होगी पहाड़ों की तरफ। और अगर आप पहाड़ों की तरफ आते हो तो थोड़ा संभल के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों की तरफ आजकल पत्थर गिरने का बहुत भय रहता है। तो कुछ इस तरीके से सामने की तरफ का व्यू है, और कुछ इस तरीके से ये मक्कू मठ वाली वैली दिख रही है। और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब हम सीधे चलते हैं होटल की तरफ, और बने रहिए वीडियो में। ये वाली रोड बहुत ही संकरी है, और पहाड़ों में क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोकल गाड़ियाँ चलती हैं या यात्रियों की भी चलती है, उनको अंदाज़ा नहीं रहता है कि सामने की तरफ से कोई गाड़ी आ रही होगी, तो अपनी साइड दबा के आपको चलना होगा, क्योंकि मोड़ों पे कब गाड़ी आगे से आ जाए पता ही नहीं चलता है, एकदम से गाड़ी आ जाती है और एकदम ब्रेक लेने के चक्कर में कुछ ट्रेजेडी हो सकती है। तो चलते हैं अब सीधे मक्कू बैंड की तरफ। मस्त सब पॉइंट है, यहाँ पे कुत्ता बैठ रखा है वहीं से आपको दिखाया जाएगा।
उतरेंगे सीधे मक्कू बैंड में ना। बहुत ठंड महसूस हो रही है। तो यहाँ पे ये बाइक भी है एक दो, और यहाँ पे ये होटल बंकर हाउस और सामने होटल स्नोव्यू और उसके बाद होटल ट्रिपा मोटेल। तो जी फाइनली एक छोटा सा ट्रिप मार के हम आ गए हैं होटल में, और कोशिश की आपको थोड़ा सा अपने आसपास की जानकारी देने की और आजकल के मौसम के बारे में आपको बताने की। काफ़ी ठंड लग रही है, जैकेट की ज़रूरत पड़ने लग गई है। अभी अभी तो जुलाई है, दिसंबर आते आते तो ठंड से बुरे हाल हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक छोटा सा ब्लॉग रहा हमारा। अब ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बाकी काम भी होटल के होते हैं आजकल, और क्योंकि YouTube पे ही ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, बाकी काम भी हमें करने होते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में, एक नई लोकेशन पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।